रायबरेली में लगातार तापमान में वृद्धि के कारण और बढ़ते गर्मी को देखते हुए नगर पालिका रायबरेली द्वारा एक पहल की गई। इसमें नगर के अलग अलग भीड़ वाले स्थान में स्प्रिंकलर कृत्रिम बारिश की व्यवस्था कराई गई। तापमान लगातार बढ़ रहा है। नौपता में दोपहर को तपन लगभग 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। दोपहर की तपन लोगों को बीमार तक कर रही है। इस तपती दोपहर में लोग घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए नगर पालिका ने थोड़ा राहत तो मिल सके इसके लिए शहर में जहां लोगों को भीड़ होती है वहां सड़क पर स्प्रिंकलर कृत्रिम बारिश कराया जा रहा है। नगर के कलेक्ट्री कचहरी, डिग्री कॉलेज, सुपरमार्केट, कैनाल रोड आदि स्थानों पर कृत्रिम बारिश के फुहारे बरसाए जा रहे हैं। इस समय गर्मी में गर्मी का मौसम है। इस समय तापमान बहुत ज़्यादा लगभग 48 सेल्सियम के जो है तो पहुंच चुका है। और हम नगर पालिका के द्वारा जो है नगर पालिका के फंड से जो हम लोगों ने खरीदा है एक स्प्रिंकलर मशीन। स्प्रिंकलर मशीन ये है कि एकदम फवारे भी बरसाती है और जमीन में छिड़काव करने का भी काम करती है, तो उससे कुछ राहत मिलती है, तापमान उससे कुछ जो है डाउन होता है। तो हम पूरे शहर में अपने इस जो 50 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई है नगर पालिका में, उसके द्वारा जो है पूरे रायबरेली नगर क्षेत्र में उससे हम छिड़काव भी करवा रहे हैं और फवारे की बारिश भी करवा रहे हैं। तो इस तरह तापमान कुछ राहत मिलने का ये हमारे जनता को राहत मिल सकता है। अच्छा दीदी, जो पानी की अगर बात की जाए तो जो बड़े बड़े चौराहे हैं वहाँ पर लोगों को पानी पीने की दिक्कतें जो होती हैं, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, पानी की जो दिक्कतें हो रही गर्मी में, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी की तो दिक्कतें हर शहर में है, हर जिले में है। लेकिन जितना हम लोगों से नगर पालिका के माध्यम से या और जो भी टैंकर हैं, जो भी संसाधन है हमारे पास, उनसे हम व्यवस्था करने के लिए बिल्कुल, आज भी हमने 2-3 वार्डों का दौरा किया, जहाँ जहाँ भी जो कमियाँ थी वहाँ जा करके हमने अधिकारियों को ले जा करके निर्देशित किया कि अविलंब यहाँ की जो भी पाइपलाइनें हैं या नल हैं या ट्यूबवेल जो भी खराब हो गए थे उनको ठीक करवाएं और मोटर जहाँ पे खराब है उसमें स्टर रखें। ये सब निर्देश हमने दिया है अपने अधिकारियों को और नगर पालिका कर्मचारियों को। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।